फ्रेंड्स, आज हम हमारी फिजिक्स 11th क्लास में फोर्थ चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मीटर जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार से है कि दिए गए बल समय ग्राफ से आवेग का परिमाण ज्ञात करना। हमें यहाँ क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ को मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे समय को और यहाँ वाई एक्स पे एफ बल को निरूपित किया गया और हमसे कहा जा रहा है कि इस बल समय ग्राफ के अंतर्गत हमें क्या निकालना है, आवेग का परिमाण यानी आवेग का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम ये ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में पॉइंट ओ है, प्रारंभिक स्थिति है, एक्स अक्ष पे 2, 4, 6, 8, 10 यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और वाई एक्स में इसे 10, 20, 30 इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक्स अक्ष यानी समय अक्ष पर जो दिया है 4 पॉइंट पर जो बल का मान है वो कितना है, 20 ए पॉइंट दिया और डी यानी 6 पॉइंट पर क्या दिया गया है, वहाँ पर भी जो ऊंचाई दी गई है बल का मान है वो कितना है, 20। तो इस तरह से ये पूरा ग्राफ जो है ए पॉइंट को ओ से, बी पॉइंट को सी से, ए पॉइंट को बी से मिला दिया गया है। तो अब इस तरह से पूरे ग्राफ में हम देख रहे हैं कि हमें ओ ए ई एक त्रिभुज मिलता है, ए बी डी ई एक आयत मिलता है और बी सी डी फिर से एक त्रिभुज मिलता है। तो हम क्या करेंगे, आवेग का मान निकालने के लिए इस ग्राफ में पूरे घिरे हुए एरिया का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर बल समय ग्राफ से आवेग का परिमाण, यानी हमें क्या निकालना है, आवेग निकालना है। तो आवेग निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, हम यहाँ ले रहे हैं ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से अगले स्टेप में जो आवेग का मान होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। आवेग के मान में हम इतने पूरे क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल किन से मिलकर बना है, 3 पार्ट से मिलकर बना है, कौन कौन से, ओ ए ई, ए बी डी ई और बी सी डी। तो इन तीनों का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं कौन सा त्रिभुज ओ ए ई का क्षेत्रफल, ओ ए ई का क्षेत्रफल प्लस अब हमारे पास आयत है यानी ए बी डी ई का क्षेत्रफल और उसके बाद हमारे पास है फिर से एक त्रिभुज बी सी टी का क्षेत्रफल। हम यहाँ पे ले लेते हैं बी सी डी का क्षेत्रफल। अब अगले स्टेप में हम इनका क्षेत्रफल निकालते हैं। बेटा हम सभी को पता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मान हो जाएगा 1/2। आधार हमारा यहाँ पर कितना है, 0 से 4 यानी ओ से ओ पॉइंट है जो कि 0.0 से 4 जाता है। तो ये हम वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं 4 इंटू ऊंचाई, अगर हम देखें तो हमारी कितनी है, 20। तो ये ऊंचाई हो गई आपकी कितनी, 20 प्लस ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत बन रहा है यहाँ पर हमारा एक और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई देखते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमारी आती है 6 - 4 इंटू जो वो लंबाई है वो आपकी होती है कितनी, 20 अगेन प्लस 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके लिए फिर से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए इसका निकालेंगे यानी बी सी डी का निकालेंगे। सी और डी जो पॉइंट है वो 6 और 8 इनके बीच का डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो आपको वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगी बेटा, 8 - 6 इंटू ऊंचाई हमारी वही है कितनी, बी डी देखिए 20 इतना माना जाता है। तो
क्या ले लेंगे, आवेग बराबर इस वैल्यू को सॉल्व करके लिख लेते हैं 1/2 × 4 × 20 प्लस 6 − 4 यानी 2 × 20 प्लस 1/2 8 − 6 यानी 2 × 20 ये वैल्यू आ जाती है। अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम इसी स्टेप में थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 4 को कैंसिल करते हैं तो 2 आ जाता है, यहाँ पे ये 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू बचती है आवेग का मान निकालने के लिए, आवेग बराबर हो गया आपका कितना 2 × 20 प्लस ये यहाँ पर बेटा वैल्यू कितनी दी है अगेन 2 × 20 प्लस ये वैल्यू आपकी 2 से 2 कट गई, बचा यहाँ पे कितना केवल 20। अब ये वैल्यू आपकी अगेन हो गई कितनी, आवेग का मान आवेग बराबर 22 × 40 प्लस अगेन 22 × 40 प्लस 20। तो कुल योग जो हमारा आवेग का यहाँ पर आ जाता है वो कितना है 40 + 40 + 20 = 80 + 20 यानी 100। ये वैल्यू आपकी आ जाती है यहाँ पे 100 और ये है आपका क्या आवेग, जिसका मात्रक होता है कितना न्यूटन सेकेंड। तो इस तरह से बल समय ग्राफ से हमने आवेग का परिमाण यानी क्या निकाल लिया है 100 न्यूटन सेकेंड। यही आपका यहाँ पर क्या है आंसर। चलिए अब हम हमारा एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है कि 3 किलोग्राम के किसी पिंड पर आरोपित कोई बल 25 सेकेंड में उसकी चाल को 2 m/s से 3.5 m/s कर देता है और पिंड की गति की दिशा कैसी है अपरिवर्तित रहती है। तो आपको बताना है कि बल का परिमाण और उसकी दिशा का मान क्या होगा, बल का परिमाण और उसकी दिशा का मान क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये देखते हैं यहाँ पे बेटा कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज गिवेन है। सबसे पहले देखिए पिंड का जो द्रव्यमान है यानी एम का मान यहाँ पर दे रखा है 3.0 किलोग्राम। यू का मान जो हमें है प्रारंभिक वेग, ये वैल्यू यहाँ पर प्रारंभिक वेग हमें दे रखी है 2 m/s और 2 से कितनी हो जाती है 3.5 m/s हो जाती है, अर्थात ये यहाँ पर क्या है अंतिम वेग यानी B का मान 3.5 m/s। कितने समय में 25 सेकेंड में यानी T का मान यहाँ पर दिया हुआ है 25 सेकेंड, जिसमें कि हमें अब निकालना है त्वरण का मान। बल निकालना है तो बल निकालने के लिए त्वरण का मान निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सूत्र V = U + AT C। इस फॉर्मे से हम यहाँ पे A की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो A बराबर हो जाता है हमारा V − U/T। A बराबर B की वैल्यू देखो बेटा यहाँ पे क्या दे रखी है 3.5 − 2 / T की वैल्यू है आपके पास 25। देन A = यहाँ पर आपके पास बचता है 1.5 / 2.5। इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे A = ये वैल्यू हो जाती है आपकी, सॉरी ये आपको 2.5 नहीं T का मान 25 दे रखा है, ठीक है। तो 1.5/25 यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे 15/250। देन अगेन A = 0.0 बढ़ा दीजिए 0, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है ये वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाती है 6। तो इस तरह से A का जो मान आ जाता है वो आ जाता है A का मान 0.06 यूनिट क्या होती है m/s². तो A का मान आपका आ गया है यहाँ पर 0.06 m/s². अब A यानी त्वरण का मान निकलने के बाद हम F का मान आसानी से निकाल सकते हैं। किस सूत्र से, सूत्र F = m × A। तो F का मान, F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर m का मान
3.0 यानी 3 किलोग्राम, और ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को 0.06। ठीक, तो एफ का मान आ जाता है आपका यहाँ पर कितना, 0.18, 3 6 18। तो ये हो जाता है आपका एफ का मान कितना, न्यूटन, क्योंकि बल का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, बल का मात्रक का मान होता है न्यूटन। तो ये आपका आ जाता है 0.18 न्यूटन। तो इस तरह से हम सबसे पहले त्वरण निकालेंगे, और त्वरण निकालने के बाद सूत्र F=ma×a से आसानी से बल का परिमाण निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि बल की दिशा क्या होगी। तो जो बल की दिशा है वो त्वरण यानी वस्तु के गति, बल की जो दिशा होगी वो गति की दिशा के अनुदिश होगी। तो यहाँ पर बल की दिशा क्या होगी, गति की दिशा, वस्तु में लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, गति की दिशा के ही अनुदिश होगी।